जम्मू काश्मीर युवपीढ़ी निजुक्ति मेला आयोजन कर प्रशासन डिपार्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू काश्मीर 370 धारा उच्छेद होगापर युवपीढ़ी को शिक्षा सहित रोजगार देवा अनेक पदक्षेप ने प्रशासन विभिन्न घर उद्योग तरफ निजुक्ति मेला आयोजन करा सहित सरकारी विभाग तरफ निजुक्ति मेला आयोजित होती आत्मनिजुक्ति जोगाइ दि जाए तालीम यहाद्वारा रोजगार मध्यम पहुंची पार्टी उपत्यकार युवपीढ़ी के पाखे आज यहाँ पे 45 कंपनी बाहर से आई है हम यूथ के लिए जैसे कि कश्मीर के लिए आए हैं यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने यहाँ पे लड़कों के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे बहुत सी कंपनी है अभी चल रहा है अभी देख रहे हैं कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं अभी दे रहे फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की है तो हम आज पहली बार है बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे जो भी कंपनी हमें मिलेगी हम उसमें जॉब करेंगे क्योंकि आपको पता ही है पिछले कुछ सालों से यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो इसलिए हम यहाँ आ गए आज जॉब ढूंढने। ये जो जॉब फेयर आज ऑर्गेनाइज किया है इसका मकसद यही है फैसिलिटेट करना है जॉब प्रोवाइडर को और जॉब सीकर को एक जगह पर आकर इन्फॉर्मेशन के और भी बहुत तरीके हैं लेकिन जैसा आपने अभी रिस्पांस भी देखा और एनकरेजमेंट हम इंडस्ट्री की तरफ से भी है वो भी आए हैं अच्छे नंबर में 40 कंपनीज हैं उससे ज़्यादा और भी ज्वाइन कर रहे हैं तो दी ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी वैकेंसीज उनके पास हैं उनके बारे में जहां वो जॉब सीकर्स को खुद देख के उन्हें जॉब दे सकते हैं अगर ऑन स्पॉट है तो अदरवाइज उनकी क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या स्किल्स की उनको ज़रूरत है वो भी जॉब सीकर्स को बता सकें और ये काउंसलिंग का तरीका बनता है जिससे वो आगे चल के अपना उसी तरफ अपना चूज कर सकते हैं कि किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है। हमने क्या देखा जब ही हमारा यूथ कंपनीज में जा रहा है डिफरेंट इंटरव्यूज के लिए जा रहा है दे आर लैकिंग द बेसिक स्किल्स लाइक फ्रॉम इंटरव्यू स्किल्स एंड लाइक बेसिक जो कंपनीज में स्किल्स होने चाहिए वो हमारे पास नहीं है तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी जो कंपनी है उसमें जो हमारे पास यूथ आ रहे हैं उनको हम क्या करें अपस्किल करें पहले उन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए तैयार करें इंटरव्यूज के लिए तैयार करें और वो जो आजकल की जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको जो स्किल्स चाहिए उनके लिए तैयार करें और फिर उनको जॉब्स प्रोवाइड करें।